अलीगढ़ के आगरा रोड पर प्राइवेट बस ने बाइक सवार एक परिवार को रौंद दिया। हादसे में पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है। मडराक इलाके में हुए सड़क हादसे से बिसीपुर गांव के निवासी मुकेश कुमार के घर कोहराम मचा दिया है। अपने परिवार की एक शादी से वापस लौट रहे मुकेश कुमार अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें मुकेश और बेटे यश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अस्पताल में उपचार के दौरान पत्नी मंजू और बेटे दीपक ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद से बस चालक गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। जी, मडराक आगरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है कल लगभग 8:30 बजे शाम को। इसमें एक बस प्राइवेट बस से एक मोटरसाइकिल टकराई है, जिसपे 4 लोग सवार थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, 1 8 साल का था, 1 3 साल का। एक्सीडेंट भीषण था, 2 लोग मौके पर ही मर गए और 2 लोगों को, पत्नी को और एक छोटे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वो हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गए। बस पुलिस के कब्जे में है, ड्राइवर फरार हो गया था, उसकी तलाश की जा रही है, मालिक के जरिए शीघ्र ही पकड़वा लेंगे। ये सब शादी में गए थे लॉज में पर्यावरी पर, वहाँ से शादी में से लौट रहे थे। लौटते समय हादसा हुआ, बाइक से थे 4 लोग थे, 2 बच्चे, दोनों बाइक हो रही। वहाँ से लौटते वक्त बस ने रौंद दिया उनको। वहीं घटनास्थल पर 2 फोन स्पॉट खत्म हो गए और 2 मलखान सिंह। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।